हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ मसाला भिंडी, भरवा भिंडी का या मसाले वाली भिंडी की सब्ज़ी बोलें, जिसके लिए मैंने चार अनियन को कट कर लिया है और ये चार से पांच टमाटर कट कर लिए हैं और ये आधा किलो भिंडी को धो के छन्ने में पानी इसका निकाल के जब ये ड्राई हो गई तो उसको कट कर लिया है। एक की दो भिंडी करी है, काफ़ी बड़ी बड़ी भिंडी है ये देखिए आप, और लहसुन मिर्ची का पेस्ट पीस लिया है और ये कुछ मसाले निकाल लिए हैं जिसमें 1 टेबल स्पून नमक, 1 पिंच हल्दी और ये 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला और 1 टेबल स्पून लाल मिर्ची। अब कढ़ाई को मैंने गैस पे चढ़ा दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। ये मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल डालूंगी और ये मैंने 1 टेबल स्पून ये बड़ा वाला स्पून से ऑयल डाला है। जब ये तेल हो जाएगा तो फिर मैं इसमें भिंडी को फ्राई करके निकाल लूँगी, फिर उसके बाद मसाला बनाऊँगी। आगे की रेसिपी मैं आपको दिखाती हूँ। अब मेरा तेल हो चुका है, अब मैं इसमें डालूँगी जीरा। जीरा मेरा तड़कने लगा है, अब मैं इसमें डाल दूंगी भिंडी। जब भिंडी फ्राई हो जाएगी तो मैं भिंडी को निकाल लूँगी और फिर मसाले इसी कढ़ाई में बनाऊँगी, क्योंकि भिंडी जल्दी से गल जाती है और सब्जियों के हिसाब से थोड़ी जल्दी गल जाती है। जब भिंडी फ्राई हो जाती है तो मैं आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, अब मेरी भिंडी फ्राई हो चुकी है। अब मैं भिंडी को निकाल लूँगी ऑयल से, फिर मैं इसमें मसाला बनाऊँगी। पहले मैं गैस को सिम कर लेती हूँ। ये मैंने 1/2 किलो भिंडी बना रही हूँ। जल्दी बन जाती है भिंडी की सब्जी भी, 15 मिनट में बन जाती है। ये मैंने सारी भिंडी निकाल ली फ्राई करके। अब इसी ऑयल में मैं ये चार जो अनियन कट करके रखी थी मैं इसको इसमें डाल लूँगी और गैस की फ्लेम को तेज़ कर लूँगी और इसको खूब ज़्यादा डीप फ्राई रेड करूँगी, क्योंकि मसाला जितना अच्छा पका होगा भिंडी की सब्ज़ी उतनी अच्छी बनेगी ये मसाला भिंडी। चलिए मैं आगे दिखाती हूँ। ये प्याज रह गई है। अब मेरी प्याज फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसमें टमाटर को ऐड करूँगी। टमाटर से पहले थोड़ा सा लहसुन मिर्ची का पेस्ट ऐड करती हूँ, बस इसको थोड़ा सा फ्राई करूँ फिर टमाटर ऐड करूँगी। अब मैं इसमें टमाटर ऐड करती हूँ। चार टमाटर को मैंने कट कर लिया था। जब ये टमाटर गल जाएंगे तब मैं इसका एक फाइन पेस्ट मिक्सर से बना लूँगी। फाइन
टेस्ट से भिंडी फिर बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। चलिए आगे प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ। अब मेरे ये टमाटर गल गए हैं, अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं मिक्सर ग्राइंडर से इसको। सॉरी फ्रेंड्स, मेरी मेमोरी फुल हो गई थी तो फिर मेरी वीडियो कट गई थी, अब मैं दोबारा से बना रही हूँ। ये मैंने पेस्ट को बारीक पीस लिया है और मैं अब इस पेस्ट को कढ़ाई में ऐड करूँगी। अब मैं इसमें पानी डाल के सारा पेस्ट इसमें निकालती हूँ और फिर आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। अब मैं इसमें पानी ऐड करती हूँ, जो इस मसाले का पानी था, धो लिया जार को और पानी ऐड कर दिया, क्योंकि मैं इसमें अब इसको पकाऊंगी मसाले को। और साथ साथ जो मैंने स्टार्टिंग में आपको मसाले दिखाए थे, ये नमक, लाल मिर्ची, हल्दी, पिसी धनिया और गर्म मसाला, इसको मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसीलिए मैं पानी इसमें डाली हूँ, अगर मैं पानी नहीं डालती तो फिर ये मसाले जल जाते हैं। इस हिसाब से मसाला भिंडी बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। अभी देखिए इसका एकदम चेंज लग रहा है कलर, लेकिन थोड़ा सा ये भून जाएगा तो इसका कलर अपने आप चेंज हो जाएगा। चलिए मैं आगे आपको बताती हूँ, दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, अब इसके मसाले का कलर चेंज हो चुका है, भूंज गया है मसाला। पहले से भूंजा था ये, भूंजा हुआ तो पिसा था मैंने इसको, ये भूंज गया मसाला। अब मैं इसमें भिंडी ऐड कर दूंगी, क्योंकि अब भिंडी भी थोड़ी सी जो भी गली कम होगी तो इसमें अच्छे से गल जाएगी। इस तरीके से मसाला भिंडी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। बहुत सुगंधी, बहुत ज़्यादा अच्छी। आप इसको पराठों के साथ खाएं, पूड़ियों के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, जिससे आपको अच्छा लगे आप उसके साथ इसको, इस सब्ज़ी को बना कर खाएं। अभी ये आधी बनी है, थोड़ी और अभी इसमें बाकी है। चले जब थोड़ी और बनती है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब मेरी सब्जी भुन चुकी है, अब मैं इसमें गोल्डी की ड्राई मैंगो आमचूर पाउडर थोड़ा सा इसमें ऐड करती हूँ, तो इसमें फ्लेवर आ जाएगा थोड़ा सा खट्टा। वो खट्टा फ्लेवर भिंडी की सब्ज़ी में अच्छा लगता है। अब ये सब्ज़ी मेरी बन के रेडी हो चुकी है, अब मैं इसमें हरी धनिया ऐड कर दूँगी। अब मैं इसको रुला के रेस्ट करने के लिए रख दूंगी, ताकि इसका ऑयल बाहर आ जाए, सेपरेट हो जाए थोड़ा सा सब्ज़ी से। तो फिर मैं इसको सर्व करके आपको दिखाती हूँ। अब ये मेरी सब्ज़ी पक के रेडी हो चुकी है, इस सब्ज़ी को मैं इस बाउल में निकाल के आपको दिखाती हूँ। एक हाथ में मेरे कैमरा और एक हाथ से मैं शूट कर रही हूँ। अब ये मेरी सब्जी बनके रेडी हो चुकी है। इस तरीके से आप भी बनाएं और ख़ुद खाएं और अपनी फैमिली वालों को खिलाएं। और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में आके ज़रूर बताएं। और आप किस तरीके से पकाते हैं, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़, और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।